चलो सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो बल्ब का सिंबल आ रहा है हमारे यहाँ। चलेगा ओके। चलो सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। इवेल्युएट, ये सेकेंड इवेल्युएट क्या करना है, रूट थ्री प्लस रूट टू होल रेज टू सिक्स माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू होल रेज टू सिक्स। ओके, एनी क्लू क्या करेंगे? ऐसा तो एक्सरसाइज में किया है हमने, क्या करेंगे? सिंपली हम ए प्लस बी होल रेस टू सिक्स को एक्सपांड कर देंगे। ओके, फिर ए प्लस बी मिल गया तो ए माइनस बी भी प्लस माइनस साइन वाला हो जाएगा और बी उसको माइनस कर देंगे। वो सब कर दिया, फिर लास्ट में हम ए की जगह रूट थ्री और बी की जगह रूट टू डाल देंगे। डन। ओके, तो इसका क्या होगा, फटाफट लिखता हूं। देखो इसका क्या होगा, एन सी जीरो, ओके, ए रेस टू जीरो, सॉरी ए रेस टू एन एंड बी रेस टू जीरो प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन एंड बी रेस टू वन। डन। प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, प्लस डॉट 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 कर दे क्या और एक टर्म लिखे, अच्छा छोड़ो ना अभी। ओके, प्लस एन सी एन ए रेस टू जीरो एंड बी रेस टू एन। डन। लेकिन हम एन से कर रहे हैं, हमें किससे करना है, सिक्स से करना है। सिक्स ही जीरो आएगा ना, तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। सिक्स आ जाएगा तो सारे टर्म लिखने ही पड़ेंगे। ओके, तो वो मैंने एन से ही कर दिया तो सारे टर्म लिख देता हूँ। ओके, सो से सिक्स सी जीरो ए रेस टू सिक्स एंड बी रेस टू जीरो प्लस सिक्स सी वन ए रेस टू फाइव एंड बी रेस टू वन प्लस सिक्स सी टू ए रेस टू फोर एंड बी रेस टू टू प्लस सिक्स सी थ्री ए रेस टू थ्री एंड बी रेस टू थ्री प्लस सिक्स सी फोर ए रेस टू टू एंड बी रेस टू फोर प्लस सिक्स सी फाइव ए रेस टू वन एंड बी रेस टू फाइव प्लस सिक्स सी सिक्स ए रेस टू जीरो एंड बी रेस टू सिक्स। डन। हो गया एक्सपांशन? ओके, पक्का? ओके, चलो नाउ यहां पर इसको भी और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, बी रेस टू जीरो का आंसर क्या हो जाएगा, वन। सिक्स सी जीरो का आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हो गया वन। ओके, देन और क्या है, और सिक्स सी वन का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। चलो तो लिख लेते हैं एक स्टेप। तो एक स्टेप हमारा क्या लिखेंगे हम, से ए रेस टू सिक्स प्लस सिक्स ए फाइव बी। डन। प्लस यहां पर सिक्स सी टू करना है तो देखो सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स फाइव फोर फैक्टोरियल और ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, तो ये तो कट हो गया और ये हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, मतलब कितना होता है, फिफ्टीन। डन। तो हमारा सिक्स सी टू हमारा हो गया है 15, सो 15 ए रेस टू फोर बी टू प्लस सिक्स सी थ्री, तो क्या होगा, सिक्स सी थ्री, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ओके, तो कितना होगा, सिक्स फाइव फोर थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल कट, थ्री टू जा सिक्स, तो ये तो गया 20 आएगा, फाइव फोर जा 20। डन। 20 ए क्यूब बी क्यूब, सही है ना, थ्री टू जा सिक्स यहां गया और ये यहां गया, तो फाइव फोर जा यस, हाँ, सो 20। नाउ अब आया है ये टर्म, ये भी हो गया, अब ये टर्म आया, अभी सिक्स सी फोर याद करो, सिक्स सी फोर एंड सिक्स सी टू का आंसर सेम होता है, तो सिक्स सी टू का तो हमें निकाला ही है, क्या है, सिक्स, करेक्ट, ये रहा।
ये 63 का है और ये 62 का है, तो वो क्या है हमारा 6, तो 6a² b 4। ये क्या है 61, तो 61 का आंसर भी पता है हमें, 61 का आंसर 60 होता है, तो 6a b 5। और 66 क्या होता है 1, हाँ सो 1, ये भी 1, तो लास्ट में क्या बचती रहा b^6। डन, तो ये हमारा एक्सपांशन आ गया a+b^6 का। डन, अब a-b^6 का निकाल दो, तो वो तो हमें आता ही है a-b^6 का, प्लस माइनस ही करना है, तो कर देते हैं ये पहला प्लस, तो a^6, फिर हो जाएगा माइनस 6a^5b, फिर हो जाएगा प्लस 15a^4b², फिर हो जाएगा माइनस, तो कितना होगा 20a³b³, फिर माइनस है तो प्लस 6a²b⁴, फिर प्लस है तो माइनस 6ab⁵, माइनस है तो प्लस b^6। डन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या करना है, ये a+b⁶, ये a-b⁶, दोनों का माइनस करना है, दोनों का क्या करना है माइनस करना है, तो सारी साइन ऑपोजिट हो जाएगी, सारी साइन ऑपोजिट हो गई, तो देखो ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, करेक्ट, चलो सारी साइन ऑपोजिट करते हैं, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस देन ये माइनस है तो प्लस, देन ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, वो तुम्हें करना है। ओके, हम थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, ये हो गया, तो अब क्या है जो कट हो रहा है वो कट कर दो, तो ये प्लस माइनस पहला ही कैंसल, ओके, फिर ये प्लस और ये प्लस है, फिर 15 वाला कैंसल हो गया, प्लस और ये माइनस कैंसल, हाँ माइनस वाले सारे कैंसल, ये प्लस वाला रह गया, फिर ये माइनस वाला आ गया वापस, तो कैंसल, और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला फिर से कैंसल, ओके, तो ये यहाँ से भी कैंसल, ओके, और से 15 वाला गया, फिर 6 वाला भी गया, ये भी गया, ओके, डन। तो रहा क्या हमारे पास, हमारे पास लास्ट में बाकी रहा है 6a5, अभी देखो ये डबल डबल है, ओके, ये 6a5b है और ये भी 6a5b है, तो टोटल कितना हो गया 6 + 6 = 12a^5b, ओके, डन, हटाओ इसको, देन नेक्स्ट 20 और दूसरा 20 इसको भी हटाओ, तो कितना हो गया 40a³b, डन, और लास्टली 6 and 6 = 12ab5, डन, ओके, दिस इज द आंसर, एंड नाउ पुट द वैल्यू वेयर a = √3 and b = √2, तो दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। So, 12 a की जगह क्या रखना है √3 raised to 5 है, और b की जगह रखना है √2 प्लस 40 √3 whole cube + 12 √3 √2 whole raised to 5। डन, ओके, सो d ये कितना होगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, फिर दूसरा स्क्वायर भी 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना मिला हमें 3 3 9 और एक रूट 3 बाकी, सो 12 9 सा कितना होता है 108, ओके, तो ये हो गया 108, ये हो गया हमारा 108, और एक रूट 3 और एक रूट 2 है तो हो गया √6। डन, फिर ये कितना है √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, 40 3 सा हो जाएगा 120 हो गया, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 2, ओके, तो 120 हुआ था ना, तो 122 जा हो जाएगा 240, और एक 240 हो गया 240, और बाकी क्या रहा √2 बाकी रहा, प्लस ये क्या है देखो √3 का √2 का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर करेंगे तो 2, दूसरा स्क्वायर करेंगे तो 2, मतलब 4 हो जाएगा, हाँ यस, मतलब 4 4 12 4 जा 48, ओके, वो 48 और एक √2 है, तो 48 रूट 6 हो जाएगा, करेक्ट, वही 3 जोड़े किया तभी तो 6 हुआ, ओके, सो 48 रूट
6, डन। तो ये रूट 6 और एक है, तो कितना हो गया 146 रूट 6 प्लस 240 रूट 2, दिस इज द आंसर। पीछे देखो और आगे किया है क्या कुछ, क्या किया है 396 रूट 6 आया, क्या लाया है आंसर 396 रूट 6 396 रूट 6। ओके, सो इन्होंने यहां पर रूट 6 लाने का ट्राई किया है, कहां पर, यहां पर रूट 6 लाने का ट्राई किया है। तो रूट 6 कब आता है, तुम्हें रूट 3 लाना पड़ेगा तभी रूट 6 आएगा। रूट 3 कब आएगा, तो सपोज तुम्हारे पास क्या है रूट 3 है डन। ओके, तो मैं यहां पर ऐसा कर रहा हूं कि 3√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं सिर्फ ये टर्म को, समझो ये फाइनल आंसर लाने के लिए है। क्या कर रहा हूं 240√2 है, मुझे यहां पे √6 चाहिए तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। तो √6 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सपोज √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड किया, करेक्ट, तो ये √6 हो जाएगा। लेकिन सर ये ऑड हो गया, तो और कर लो और क्या बात है। ओके, तो और करेंगे तो ये √6 हो गया, और फिर से अगर करेंगे तो वापस सर ये कटने जाएगा, क्या कटने जाएगा, ऊपर नीचे कट ही जाएगा ना, रेशनलाइज तो किया है, रेशनलाइज ही किया है। ओके, सो ये हो जाएगा √6 और ये √6 हो जाएगा, तो काम हो गया। लेकिन और आंसर क्या आ रहा है 396, तो एग्जैक्ट ही आ रहा है, तो हमने कोई जगह गड़बड़ नहीं की ना, देख लो हमारा आंसर यहां तक कहां तक आया था 12 6c6 a^0 b^6 करेक्ट है, तो इसका आंसर तो 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो b^6 सब सही है। b^6 तो गया, ये है ab^5, ये ab^5 जो है वो 6 और 6 12 आया है, 12 आया है, तो हमारा a हमारा क्या है √3 और b क्या है हमारा √2, तो इसका अगर हम करें तो क्या होगा √2 और 2 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सही है, बीच वाले टर्म का आ रहा है ना a³b³ वाला, तो 40 20 कहाँ गया 20 वाला टर्म, 20 a³b³ और 20 a³b³ मतलब 40 a³b³, तो 40 कहाँ गया, ये रहा। हाँ देखो ये हमने गड़बड़ी की है, ओके ये गड़बड़ी की है, देखो 40 क्या था 40 a³b³ था, तो हमने 40√3^2 ही लिखा है, 3 है वो, समझ में आया। ओके, सो वो गलती है, देखो पांच पीछे आंसर चेक किया तो हमें पता चला ये गलती, ये 3 है, क्यों 12a5b था, तो 12a5b फिर 40 a³b³, 40 a का क्यूब b का क्यूब एंड 12ab5, 12a और b का 5, डन। तो यहां पे हमारा एक √3 बाकी है, √3 का स्क्वायर के हम स्क्वायर करके हमने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन एक √3 बाकी है, एक √3 बाकी है, तो ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, करेक्ट, यहां पे एक √3 बाकी था तो √2 था, तो वो √6 हो जाएगा ना, करेक्ट। तो अब सबका सम कर दो तो आंसर आ गया हमारा, ओके सो 396√6। ओके, सो यहां पे हमारी एक गलती थी इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, अदरवाइज अगर जो हमने किया वो सही होता और ऐसे अलग आंसर आ रहा है तो क्या करते, ऐसे इरेशनलाइज करते, डन। तो ये √6 है, तो अब तो मैं √6 ऐड कर सकता हूं, लेकिन वापस नीचे ये √3 रह जाता, अगर हो जाता तो मैं बोलता कि हाँ ऐसे करते आगे बढ़ते, लेकिन नहीं हुआ, सो इसीलिए हमने वापस क्रॉस चेक किया और हमें गलती पता चली। अंडरस्टूड, समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे न्यूमेरिकल हमने एक्सरसाइज में भी किए हुए, ये रहे a+b⁴, आज भी तो किया ये x+1⁶ आज भी किया, तो ऐसा ही है ये a+b⁶ a-b⁶ बीच में माइनस है, डन। ओके,